ऋषभ पंत भी क्या खरे उतर सकते हैं भाई? अभी तक तो आपने काफी उनकी हिटें देखी हैं, रिकॉर्ड उनका काफी अच्छा है, बैंगलोर के अगेंस्ट काफी अच्छा रिकॉर्ड है पिछले Hello, कुछ मैच्योरिटी कहां से लाओगे? देखो, और मैच्योरिटी के लिए कई बार बड़ा दुख होता है कि ये इस खिलाड़ी में इतना टैलेंट है जी, पंत में इतना ज्यादा टैलेंट है, जो बाहर इतने बड़े दिग्गज प्लेयर बैठे हैं, आज मैं उनको ब्लेम करता हूँ क्योंकि कभी कभी जो ज़्यादा टैलेंट होता है वो बहक जाते हैं। उस समय पकड़ के लाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अंधाधुंध क्रिकेट खेली जाती, क्रिकेट के लिए थोड़ा सेंसिबल भी होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन कितना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि 6 रन चाहिए और सीधा उठा के एक बड़ा शॉट मारा, आउट होके आए, पूरी टीम गिर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब क्रिकेटिंग ब्रेन आता है फिर अगर आप आउट होते हो तो दुख नहीं होते। जो पिछले मैच में पंत आउट होके आया तो ऐसा लगा कि क्रिकेटिंग सेंस की कमी थी, वरना वो मैच निकाल के जा सकते थे। एक्चुअली अजय और मैं उस दिन ये बात कर रहे थे, जब आप होते हैं उस उम्र के 21-22 साल के तो आपको आपके सीनियर बोलते हैं कि बेटा संभल जाओ, थोड़ा संभल जाओ, पर उस एज पे सुनने के शौकीन नहीं होते ना ये सब बातें, और जो सुन जाता है वो वर्ल्ड चैंपियन बनता है। देखो फर्क इतना ही है, ये नहीं कि सचिन इस दौर से नहीं निकला, राहुल नहीं निकला या बाकी प्लेयर नहीं निकले। आप जब समझ जाते हो तो आप वर्ल्ड क्लास की तरफ जाते हो, जो नहीं समझ पाता तो आप कहते हैं टैलेंट बड़ा था, विनोद कामली बहुत ज्यादा टैलेंट था लेकिन नहीं संभल पाए, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये ऋषभ पंत को भी अब सुनना पड़ेगा क्योंकि है तो टैलेंट, और आपने अच्छा एक नाम लिया विनोद कामली का, वो भी जब आए थे तो कितना धमाल मचाया था उन्होंने, तो ये कहीं आपको लगता है, मतलब मेंटली मुझे स्ट्रांग लगता है ऋषभ पंत, मतलब है थोड़ा सा फाइटर, पर उस दिन जो हुआ पंजाब के खिलाफ उसके बाद धक्का तो लगा होगा क्योंकि शुरुआत उन्हीं की विकेट से हुई थी। आई थिंक बिल्कुल धक्का लगा होगा क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब आपकी शुरुआत आपने की और वहाँ से मैच हाथ से निकल गया, और उसमें आपकी गलती नहीं है, 7-8 लोग और भी हैं, लेकिन आप अगर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं और ग्रो करने वाले हैं जैसे पाजी ने कहा, तो आपको धक्का लगा होगा, और धक्का लगता है तभी आप सीखते हैं कुछ। अगर धक्का नहीं लगा होगा तो फिर वही गाड़ी चलती रहेगी, फिर दोबारा होगी एक्सीडेंट, फिर कहीं ना कहीं जाके होगा। अब आई होप करता हूँ कि धक्का लगा है, क्योंकि अगर एक बार धक्का लग जाएगा ना तो आप सोचना शुरू कर दोगे, और सोचना जहाँ शुरू कर दिया वहाँ आपकी शुरुआत हो गई है ग्रोथ की। नहीं, बहुत अच्छा लगा कि अगर धक्का लग गया मज़ा आ गया, कोई बात नहीं, फिर ऐसा धक्का सब प्लेयरों को लगना चाहिए जिसमें टैलेंट ज़्यादा होता है। कि आप देखो, एक शो बिजनेस होता है वो ज़रूर है, लेकिन शो बिजनेस करते करते अगर अपनी टीम को हरा दो तो वो गलत है। ये आज रन नहीं बने कोई बात नहीं, क्या ये सबक है? और सबक सारी उम्र के लिए, तो फिर इससे बड़ी गलती का फ़ायदा कभी नहीं मिल सकता।